कोरोना के इस महासंकट में आप लोगों ने पहली लहर में और दूसरी लहर में अपने आप को काफी अच्छा बचा कर रखा है। पहली लहर में लोगों ने हमको काफी तकलीफ दी थी और हमारे ऊपर कीचड़ भी उछालने की कोशिशें हुई, लेकिन बाद में दूसरी लहर के बाद उनको समझ में आया कि यह तो उनके लिए भी जानलेवा हो रहा है और उससे अभी इजाफा हमको मिल ही रहा है। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स है, जो इसके जानकार लोग हैं, वे अभी कह रहे हैं कि दूसरी लहर भले ही अभी समाप्ति के ऊपर है, लेकिन तीसरी लहर का आने का अंदेशा सबसे ज्यादा है और उसमें जो भी अटैक होगा वो अटैक बहुत जबरदस्त रहने वाला है, दूसरी लहर से भी ज्यादा रहेगा। जहां तक मैं समझता हूँ कि उसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो अभी चौथी लहर के रूप में ब्रिटेन में आ चुका है और कई देशों में अभी उसका चालू हो चुका है। अतएव आप सब लोगों से नम्रता पूर्वक आदर पूर्वक निवेदन है कि आप लोग अपनी हिफाजत के लिए, इसलिए आप मास्क लगा के रहिए और मास्क भी N95 के दो मास्क लगाने पड़ेगा आपको, और डिस्टेंस रख के हाथ को बार बार धोते रहिए ताकि आप उस कोरोना से बच सको। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सलीम खान जी ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनका सेवा केंद्र जनता की सेवा के लिए खुला रहे, उनके माध्यम से आप सबका वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो और आप लोगों को मदद हो, यही उम्मीद रखता हूँ। आज जो यहाँ अल्पसंख्यक जनता के लिए आज जो जनता यहाँ पे उद्घाटन किया गया है जनसंपर्क कार्यालय का, इस विषय में अस्सलाम वालेकुम। यह सलीम खान सेवा केंद्र यहाँ पर जो शुरू हुआ है, दरअसल में हमारे पुराने साथी और मित्र, इनके सलीम खान जी के अब्बा हुजूर करीम भाई चुड़ीवाले, इनके ज़माने से मैं इनसे वाकिफ हूँ। करीम भाई जब भी हमारे घर के सामने से जाते थे, सुबह चिड़िया बेचने निकलते थे, शाम को लौटते थे, दोनों वक्त वे मेरे घर पर रुकते थे, मैं रहा तो मुझसे मिलते थे, बात करते थे या मेरी माँ से बात करते थे और फिर घर जाते थे। उस समय मेरे घर के सामने वाला ही रास्ता आने जाने का टेका के निवासियों के लिए था, और चुड़िया बेचने के साथ साथ वे बहुत ही यानी दिलदार किस्म के आदमी थे और कोई गरीब रहे कुछ रहे, उनकी सेवा करने का उनमें काफ़ी जज्बा था। और उनका काम उनका बेटा सलीम खान आज पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसकी खुशी मुझे बहुत है। मैं आज के इस अवसर पर श्री सलीम खान जी को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके इस सेवा केंद्र कार्यालय का उद्घाटन हुआ ऐसा घोषित कर। आज जो यहां पे उद्घाटन हो रहा है और जनता की समस्या को ध्यान में रख के ये सब पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इस विषय में आप पूरी डिटेल जानकारी बताइए। सबसे पहले तो मेरे माननीय पालक मंत्री, हमारे सबके नेता, उत्तर नागपुर के और विदर्भ के महाराष्ट्र के नेता आदरणीय डॉक्टर नितेंद्र साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार मानता हूँ। ये कार्यालय का
सुझाव जो है हमारे आदरणीय डॉक्टर नितिन राव साहब के माध्यम से मुझे मिला। अल्पसंख्यक समुदाय की जो समस्या है, इस समस्याओं को लेकर जो हमारे कार्यालय बिजन बाग और अभिभवन में जो साहब का कार्यालय है, यहाँ तक के लोगों को पहुँचने में प्रॉब्लम होती है। गरीब तबके के लोग पहुँच नहीं सकते। हमारा सलम एरिया, सलम बस्ती ज़्यादातर के उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र में है। इस कारणवश अल्पसंख्यक समुदाय को देखते हुए कार्यालय का उद्घाटन आज आज़ाद नगर टेका नई बस्ती में नागपुर के अंदर में आज उनके हाथों से जनसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। काफ़ी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को से चर्चा करना रहता है, उनकी समस्या रहती है, काफ़ी चीज़ों का निवारण नहीं हो रहा था। इस कारण आज एक ऑफिस को फिर से हमारे को खोलने का सौभाग्य मिला। मैं सभी आज़ाद नगर नई बस्ती टेका और उत्तर नागपुर के अल्पसंख्यक विभाग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। अपनी समस्या को लेकर आता है और समस्या यहाँ से माननीय डॉक्टर नितिन राव साहब मंत्री साहब के ऑफिस में जाएंगी और वहाँ से सारी समस्याओं का हल होगा। एक से दो ऑफिस हुए, ये पहले नागपुर शहर के अंदर में माननीय मंत्री साहब के हाथ से पहले कार्यालय आज खुलने जा रहा है, खुला है। और इसी तरीके से उनका कहना है कि मैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में एक अल्पसंख्यक जनसभा कार्यालय खोलना चाहता हूं और समय पर वो कार्यालय के अंदर अपना मार्गदर्शन भी देंगे, यहां पर मैं आके बैठेंगे भी, ये उनका मानने है। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। जब जब मेरी ज़रूरत पड़े आप लोग मुझे कभी भी याद कर सकते हैं और मेरे कार्यालय तक आ सकते हैं। कार्यालय तक नहीं भी आ सकते तो मेरे फ़ोन पे भी अगर आपने फ़ोन किया तो मैं आपके घर तक आकर अपने काम को अंजाम देने का प्रयास करूँगा। ये विश्वास करते हुए माननीय डॉक्टर नितिन राव साहब ने आज मुझे इस कार्यालय खोलने का और कार्यालय में आकर उद्घाटन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसके लिए मैं सबसे पहले सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ और कार्यालय में आए मैं इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।